हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBIN के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, क्या हमें इसमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है और क्या इसके हमें एक हफ्ते या दो हफ्ते का टारगेट लेके चलना चाहिए, क्या इसमें हमें बाइंग साइड की तरफ जाना चाहिए या सेलिंग साइड की तरफ जाना चाहिए। अगर हम बात करेंगे आज के भाव की, तो आज 429.60 पे इसने ट्रेडिंग पे बंद कराया और जो इसने आज हाई मारा, ओपन ही हुआ था ये आपका 434 पे और हाई मारा 435 का, लेकिन कंटिन्यू वहाँ से हमें स्टॉक में दबाव देखने को मिला और फिर वहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी ने गिवअप करा। उसके साथ मैंने आज टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था कि आप SBIN का पुट वहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो ईजिली ट्रेडर्स हमारे ग्रुप के मेम्बर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट और जो साथ के हमारे क्लाइंट्स हैं उन्होंने इस स्टॉक पर आज 20% का रिटर्न प्रॉफिट बुक करा है, क्योंकि आज इसमें हमने एनालिसिस कर रखा था एक दिन पहले कि इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके चार्ट के बात करें तो एक इंडिसिसिव सा चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा जूम आउट करूँगा, पिछले कुछ हफ्तों से एक महीने से आप देख सकते हैं हमारा स्टॉक कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में रहा। ये जो चीज़ है ये है आपका 20-day मूविंग एवरेज, आप देख सकते हैं कंटिन्यू इस चीज़ को ये फॉलो करता हुआ जाता रहा, लेकिन अब कंटिन्यू आप देख सकते हैं एक यहाँ पे हमें रेंज देखने को मिल रही है, ये देख सकते हैं 432 का ऊपर से एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है और करंटली 424 का नीचे की साइड से एक सपोर्ट मिल रहा है। तो दोनों यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हैं, तो जो ये आपकी रेंज बीच की नज़र आ रही है यह है आपका नॉन ट्रेडिंग जोन। लेकिन ट्रेडर्स, मैंने आज इस पर ट्रेड क्यों करा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे खुलते ही यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर मुझे देखने को मिला और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जिसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो सीधा मैंने अपने क्लाइंट्स मेंबर्स को और जो टेलीग्राम में जुड़ रखे हैं डिजिटल ट्रेडर अतुल, वहाँ पे मैंने उन्हें पुट ऑप्शन पकड़वा के वहाँ पे 20% प्रॉफिट बुक करा और आप देख सकते हैं कंटिन्यू एक स्टॉल डाउन ट्रेंड में आया और 424 पे जो कि एक नीचे की साइड पे सपोर्ट है वहाँ पे डिप लेके ऊपर की साइड 429.30 पे इसने आज क्लोजिंग दी है। अगर हम थोड़ा बात करते हैं इसके यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस की, तो ट्रेडर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन से शो करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैंने SBIN का मॉर्निंग में आप देख सकते हैं 10 बजे मैंने ये आपका टारगेट दिया था कि बाय एट 8.50 SBIN का 425 का पुट ऑप्शन, और मैंने आपके सामने, मैं सिर्फ आपको पोजीशन ही नहीं दिया था, मैंने आपके सामने इसका चार्ट भी लगाया कि मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और सुबह ही इसमें एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल गया था। तो बहुत ही इजी कैप्चर मूव हमें यहाँ पे करना था और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे थे पुट ऑप्शन के पास वाले सभी अच्छा खासा यहाँ पर वर्क कर रहे थे। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा बुक और होल्ड SBIN अकॉर्डिंग ये कि हमें 16% का टारगेट अचीव हो चुका है और ये और नीचे आता हुआ, तो इसी टाइप से यहाँ पे हमें मूव कैप्चर करने होते हैं। तो जिसे भी इस चीज़ का फ़ायदा लेना है आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई और सा स्टॉक हो, आपने कुछ चीज़ होल्डिंग में रख रखी हो, तो उस चीज़ पे आकर आप डिस्कस कर सकते हैं, हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजिशन ऑफ SBIN स्टॉक। तो सबसे पहले ट्रेडर्स, यहाँ पर हम बात करेंगे 11 जून 2021 यानी आज के डेटा के बारे में। तो जो हमारा स्टेट बैंक है वो 52 वीक हाई जोन के पास जाने वाला है, यानी आने वाला है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें न्यू शॉर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग जो फ्यूचर हैं उसे सेल कर रहे हैं, पुट ऑप्शन ज़्यादा खरीद रहे हैं या कॉल ऑप्शन ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो यानी न्यू शॉर्ट यहाँ पे बनना है, यानी सेलिंग साइड ज़्यादा है, बियर प्रेशर बनना है इस स्टॉक पे। अगर हम बात करें 10 जून की, तो जब भी आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट कवर यहाँ पे भी बनना है। एंड बात करेंगे अगर हम 9 जून की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेकर लोअर लो हाइज बना के चल रहा है पिछले 3 दिनों से, एंड यहाँ पर भी लॉन्ग पोजिशन थी कि और ये और ऊपर जाएगा, वहाँ से लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की साइड से शॉर्ट कवर बनना शुरू हो गए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू शॉर्ट क्रिएट हो रहे हैं और इसमें प्रेशर ज़रूर बन सकता है। अगर हम बात करते हैं हम डीप एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की,
तो ट्रेडर्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ये है SBIN का 30 मिनट का टाइम फ्रेम, ये मैंने आपके सामने Zerodha पे खोल लिखा है। अगर आपके पास Zerodha का अकाउंट नहीं है तो आप आके ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत ही प्यारा इंटरफेस रहता है इसका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इसने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इसने 3 जून को यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाया था एक 442 पे, यानी 442 पे इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा और एक 436 पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। नीचे की साइड से जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं ये आपके 417, 418 देन 424 के सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, अगर मार्केट बुलिश जाता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। सबसे पहले आपको इंतज़ार करना है कि ये 436 के लेवल पे आए और यहाँ पे से ब्रेक करके सस्टेन करे, देन एक अच्छा मूव हमें ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड के लिए टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी जो ऊपर के लिए टारगेट है वो हमारा है 442 का ही हम टारगेट लेके चल सकते हैं। जब यहाँ पे आ जाएगा देन हम इस पर एक अगली वीडियो बना देंगे। अगर हम बात करते हैं नीचे के साइड के मूव की, यहाँ पे एक इनडिसिसिव सा है, यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है जब तक आपको एक नहीं दिखाई दे कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है या इधर आ रहा है, जब तक आपको किधर नहीं जाना है। पहले आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, तभी हम किसी ट्रेड में एंटर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 कन्फर्मेशन बनाए हैं। पहले तो आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, देन जो आपका रेड एरिया है 436 का लेवल है इसे ब्रेक करना चाहिए पावर वॉल्यूम के साथ। अगर बात करें नीचे की साइड की तो सबसे पहले आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, फर्स्ट रीज़न हो जाएगा आपका। ऊपर की साइड मैंने आपको मूव बता दिया, 442 तक ये जा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है 424 का लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 200 डे मूविंग एवरेज, तो मेरी तो अभी यही है कि मैं इसमें डाउन साइड ज़्यादा देख रहा हूँ। अगर ये चीज़ ब्रेक कर देता है तो ट्रेडर्स आपको 410 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यही मेरा इस पर आज एनालिसिस रहने वाला है कुछ हफ्तों तक। मैं इससे पहले तो देखता रहूँगा कि ये मार्केट की तरह कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी हमारा निफ्टी 50 बुलिश है लेकिन बैंक निफ्टी का अभी कुछ इनडिसिसिव से मूव लग रहा है और काफ़ी यहाँ पे PSU बैंक भाग चुके हैं, तो एग्जॉस्ट भी इन्हें होना पड़ेगा, एक रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वॉच करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो देन हमें एक 410 का अच्छा खासा एक डिप देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन ना करो, मेंबरशिप लेनी हो तो वहाँ पर आकर आप पहले ज्वाइन करिए और मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।